जैन दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम को आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रिवर सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है, तो उसको दो भागों में मैंने बांट रखा है, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट हिमालयन रिवर एंड सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर में कौन कौन सी रिवर होती हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकल के आती हैं। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकल के आती हैं वो हैं इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। और पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर वो है जो इंडिया के नीचे वाले भाग में, जो पेनिनसुला बनता है ऐसे, जो सराउंडेड बाय ऑल थ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर, जैसे यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, इस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला। जो हमारे इंडिया का, इंडिया जो है नीचे वाला साउथ वाला पार्ट है, ये पेनिनसुला है। तो वहाँ पर जो रिवर बहती हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। तो इनको भी दो भाग में मैंने, दो कैटेगरी में बांट के रखा है, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर। वेस्ट में जो फ्लो होती हैं वो वेस्टर्न रिवर, और ईस्ट में जो फ्लो होती हैं वो ईस्टर्न रिवर। तो मैं बेसिक से आपको बता दूँ, बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक ठीक है, रफली मैंने बना दिया है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो रफली ये मैंने भारत बना दिया है, प्यारा इंडिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पड़ता है अरेबियन सी, दिस साइड पड़ता है अरेबियन सी, अरेबियन, अरेबियन सी। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इस साइड पड़ता है हमारा पूरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब जो रिवर यहाँ पर जाकर ख़त्म होगी अरेबियन सी, तो उसको बोलेंगे हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। और जो बे ऑफ बंगाल में जाकर ख़त्म होगी जो रिवर, उसको बोलेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है यहाँ तक, ऑलराइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा ईस्ट में कौन सी जा रही और वेस्ट में कौन सी जा रही? तो ऐसे हमको पता चलेगा, जो अरेबियन सी में जाके ख़त्म होगी उसको बोलेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और जो ईस्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होगी उसको बोलेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ रिवर सिस्टम के, तो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हम जान लेते हैं। क्या होता है कि मेन रिवर होती है, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, कोई भी रिवर है ये, मान लो रिवर एक्स हो गई है, ठीक है। अब इस रिवर में कोई भी रिवर आके ज्वाइन करेगी, जैसे मान लो ये यहाँ पर आके, ये यहाँ से ज्वाइन करी, ये यहाँ से ज्वाइन करी, इसने यहाँ से ज्वाइन करी, तो ये जो रिवर मेन, ये हो गई मेन रिवर, ये जो रिवर जा रही है ये हो गई मेन रिवर, मेन रिवर। अब इस मेन रिवर में जो भी रिवर आके ज्वाइन करेगी, जो भी रिवर आके ज्वाइन करेगी उसको बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जैसे ये हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है, हो गई गंगा, गंगा रिवर, ठीक है। और गंगा में हम लोगों को पता ही होगा, मैं पूरा गंगा सिस्टम पढ़ाऊंगा अभी, तो जैसे मान लीजिए गंगा के अंदर आके मिलती है यमुना, ठीक है। तो यमुना क्या हो जाएगी? गंगा की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, हिंदी में बोले तो सहायक नदी, ये हो गई ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ऐसी जितनी भी रिवर जाके ये मिलती हैं, ऐसे मेन रिवर में आके मिलती हैं, और भी रिवर आके मिलती हैं, इसको अगर हम ऐसे पूरा देखा जाए तो ये जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेसिन, रिवर बेसिन। क्या बोलेंगे? रिवर बेसिन, ठीक है, इसको बोलेंगे रिवर बेसिन, रिवर बेसिन ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा। इतनी बात आई समझ में? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे आगे हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आ जाता है, अब जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ से आके मिल रही, यहाँ से आके मिल रही, तो इसमें भी होता है, क्या होता है कि कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन सी लेफ्ट है और कौन सी राइट है? तो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक रिवर बह रही, ये रिवर जा रही है, ठीक है, रिवर जा रही है।
हमको कैसे पता करना है, कहाँ से पता करना है कि रिवर कौन सी कहाँ को जा रही, कहाँ से लेफ्ट होगी, कहाँ से राइट होगी, कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए ये हो गया, कोई भी लड़का हो गया, आप हो गया, मैं हो गया, कोई भी मान लीजिए, कोई भी एक बंदा है, ये जो रिवर बह रही उसके साथ में मान लो एक ऐसे खड़ा हो गया टाइटैनिक वाले पोज में, ऐसे हाथ निकाल कर, जहाँ पर रिवर जा रही उस साइड फेस करते हुए, जिस साइड रिवर जा रही उस साइड फेस करते हुए टाइटैनिक वाले पोज में खड़ा हो गया, वो कौन था ना, जैक वैक जो भी हो नाम उसका, उसी स्टाइल में खड़ा हो गया टाइटैनिक वाले पोज में। अब इसका ये फेस जहाँ पर होगा, इसका फेस होगा जहाँ पर रिवर जा रही होगी, यहाँ को जा रही तो उस साइड में फेस करके। तो अब ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जहाँ इसका हैंड होगा लेफ्ट, तो वो होगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड से मिलने वाली, और जहाँ इसका राइट हैंड होगा वो होगी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट कौन सी है। तो ऐसा आप इसको अज्यूम कर लिए तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं उठाऊँगा एक रिवर से, एक कोई भी रिवर उठाऊँगा, उसकी रिवर की बताऊँगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो अगर इतना बेसिक समझ में आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और भी ज़्यादा मोर अपडेट के लिए। तो अब मैं उठाता हूँ कौन सी रिवर, सबसे पहले मैं लेता हूँ रिवर, मान लीजिए मैं लेता हूँ महानदी। ठीक है, महानदी, महानदी, महानदी रिवर के बारे में देखते हैं कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और क्या है। तो हम पढ़ेंगे महा नदी रिवर, पेन को भी ठंड लग गई है, महानदी रिवर। तो सबसे पहले तो जानेंगे हम महानदी रिवर ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है। तो ये फ्लो होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। ऑल राइट, ये दो स्टेट में ये फ्लो होती है महानदी हमारी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस महानदी, महानदी के किनारे नियर महानदी कौन कौन से सिटी, कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कटक, कटक का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्वामी विवेकानंद की जगह। ठीक है, सेकंड सोनपुर, थर्ड संबलपुर, ये पड़ती हैं कहाँ, महानदी के किनारे। ठीक है, तो अब ये महानदी सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये मान लो महानदी ये आई, ये आई, ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ईस्टर्न फ्लोइंग। ये आई महानदी, अगर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तो मैंने कहाँ बताया था, कहाँ जाके ख़त्म होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम पढ़ें, ट्रिब्यूटरीज जानें, तो पहले तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से निकलती है। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन से निकलती है ये, ओरिजिन होता है इसका सिहावा माउंटेन से। ठीक है, सिहावा माउंटेन से। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइंट होती है आके, तो ये आई हमारी, अगर मान लीजिए अभी ये जैक है, जैसे जैक आके खड़ा हो गया टाइटैनिक वाले पोज में, यहाँ इसने फेस कर रहा है, यहाँ बे बंगाल में, यहाँ ऐसे फ्लो रही ना खड़ा हुआ, इसे लेफ्ट साइड, ये यहाँ लेफ्ट हैंड हो गया या यहाँ राइट हैंड हो गया, तो लेफ्ट साइड जो मिलेगी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट साइड होगी वो राइट ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले ये रिवर आके जो यहाँ पर मिली है महानदी में, तो वो होगी सियोनाथ। कौन सी, सियोनाथ, सियोनाथ, सियोनाथ रिवर। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है, छत्तीसगढ़ में ही। ठीक है, राइट, फिर उसके बाद दूसरी रिवर आके इसमें मिलती है, जो दूसरी रिवर आकर मिली तो उस वो है हसदेव, शिवनाथ हसदेव, ये है हसदेव, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर एक और रिवर आके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, एक और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो है मांड, मांड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट कौन कौन सी आके मिलती है, तो ये आके यहाँ मिली, इसको बोलेंगे जोंग, जोंग रिवर। ठीक है, फिर एक रिवर और आके राइट साइड से मिली,
या के मिली राइट साइड से, ये होगी ओंग रिवर। कौन सी? ओंग रिवर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइए, आपको इसी तरह याद भी होता जाएगा। और फिर एक और राइट साइड से आकर मिली, तो ये कौन सी होगी? तेल। ये होगी तेल। तो ये देखिए महानदी, महानदी के अंदर महानदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ सिहाबा माउंटेन, छत्तीसगढ़ के सिहाबा माउंटेन। साथ साथ में आप बोलते जाइए आप भी, तो आपको याद होती आएंगी। छत्तीसगढ़ में सिहाबा माउंटेन से निकली कौन सी महानदी निकली? ठीक है, कौन कौन से शहर में पड़ती, कौन कौन से स्टेट में पड़ती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके किनारे कौन कौन से पड़ते हैं सर? कटक, सोनपुर, संबलपुर। ये निकली और जाके कहाँ पर ख़त्म हुई? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो पहली, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आके मिली है वो है सियोनाथ, सियोनाथ। फिर उसके बाद सेकंड ट्रिब्यूटरी है हस्तियो, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रिब्यूटरी है उसकी मांड। अगर हम ये हो गई हमारी लेफ्ट, अगर हम राइट की बात करें तो सबसे पहले आके मिलेगी जोंग, फिर उसके बाद मिलेगी ओंग, फिर उसके बाद मिलेगी तेल, ठीक है। सियोनाथ, हस्तियो, मांड, जोंग, ओंग, तेल। सियोनाथ, हस्तियो, मांड, जोंग, ओंग, तेल। इस तरह आप देखिए, आप भी अब साथ साथ में बोलिए, मैं फिर से इसको बनाता हूँ ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवाइज करने, बस आपको एक बार उठा के देखना पड़ेगा। फिर से मैं इसी को लेके चलता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। ये गई हमारी महानदी, कहाँ ख़त्म हुई? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से निकली, कहाँ से निकली? कमेंट बॉक्स में बताइए। छत्तीसगढ़ सिहावा, सिहावा माउंटेन। कौन से माउंटेन? सिहावा माउंटेन। तो सबसे पहले आके रिवर जो मिली, ये आके रिवर मिली कौन सी है? ये सियोनाथ। कहाँ पड़ती? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ती? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कौन से आके मिली रिवर? उसके बाद आकर मिली, कमेंट बॉक्स में बताइए, नाम बताते जाइए, आप लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मिली हस्तियो, ठीक। फिर उसके बाद आके मिली मांड, कौन सी? मांड। फिर उसके बाद एक और मिली, मैंने वहां पर छोड़ दिया था, यहां पर मैं बताता हूँ क्योंकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने बनाया सियोनाथ, हस्तियो, मांड। फिर उसके बाद आके मिली एक और इब, कौन सी? इब। इसी इसी के किनारे यहीं यहीं पर पड़ता है आपका हीराकुंड, हीरा, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, पता ही होगा, सुना होगा, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इस डैम के बारे में। कहाँ पड़ता? महानदी के ऊपर, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो महानदी के ऊपर पड़ता है। नीचे से अगर हम देखें तो राइट साइड से हम देखें तो सबसे पहले आके रिवर मिलेगी जोंग, फिर उसके बाद मिलेगी ओंग, ओंग, फिर उसके बाद मिलेगी तेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। मैं और भी ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा और सेकंड रिवर बताऊंगा, एक एक करके मैं सारे रिवर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मोर अपडेट। थैंक यू।